और भाई पवन क्या हाल है? बस भाई बढ़िया। और सुना? बस यार बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। तू बता। बस भाई ठीक ठाक यार। एक काम है यार। हाँ बोल भाई। पासपोर्ट बनवाना है। वो अगले महीने ना सिस्टर की शादी है तो हमें दुबई जाना है। आज चल पाएगा मेरे साथ क्या तू? आज? हाँ भाई आज ही चलना है। चल ठीक है चलते हैं। चल भाई चल चल फटाफट चल। भाई लाइन तो बहुत लंबी लगी हुई है यार वहाँ पे। देख भाई दलाल भी काफी घूम रहे हैं यार। हमारे को दलालों से काम नहीं करवाना है। हम पासपोर्ट ना तत्काल में बनवाएंगे। सर। यस सर, ये फॉर्म जमा कर लीजिए। अरे मैडम फॉर्म तो दुनिया जमा करती है पर पासपोर्ट उन्हीं का बनता है जो चढ़ावा चढ़ाते हैं। सर ये लीजिए। इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट। नो वेस्टिंग ऑफ टाइम, सीधा कमिंग टू द पॉइंट। आपका पासपोर्ट जल्दी बन जाएगा। सर ये लीजिए फॉर्म सर, पासपोर्ट का। सिर्फ फॉर्म? भाई साहब लंच हो गया अभी, बाद में आना। अरे सर बहुत देर से लाइन में लगे हुए हैं। सर सर घर पे बहन की शादी है और मुझे दुबई जाना है, प्लीज सर ये सबमिट कर लीजिए। सर हमने बोला था बहन की शादी कराने को है? ये ना एक्चुअली मेरे साथ हैं और इन्हीं का पासपोर्ट बनाने के लिए मैं आया हूँ। पूरा दिन लगाया सर हमने आज लाइन में, और जब हमारी बारी आई तो आपने कह दिया कि लंच टाइम हो गया। सर प्लीज थोड़ा सा कुछ कर दीजिए। सर ऐसा है, सरकार को बोलो ज्यादा आदमी रखे है। सर ये प्लीज फॉर्म सबमिट कर लीजिए, नहीं तो हमारी मेहनत सारी खराब चली जाएगी। सर प्लीज सर। नो 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 नो, अब कल आना, अब तो भैया लंच टाइम हो गया है। मैं तो कैंटीन जा रहा हूँ लंच करने के लिए। हम भी चलते हैं कैंटीन इसके साथ साथ। भाई हम कैंटीन जाके क्या करेंगे? अरे चल तो सही कैंटीन, कुछ नहीं हुआ तो लंच ही कर लेंगे यार। ठीक है। अरे छोड़ना यार, कल आके जमा करा देंगे फॉर्म यार। तू समझा नहीं भाई, कल भी ये पहले दलालों का काम करेगा, घूस खाएगा और फिर हमारा आज की तरह ही हाल हो जाएगा। सर क्या हम बैठ सकते हैं यहाँ पे? बैठो। सर आप खाना डेली घर से लेके आते हैं? क्यों? नहीं वो ऐसे ही पूछ रहा था। एक्चुअली मैं देख रहा था आपके पास काफी काम रहता है। हाँ मैं काफी बिजी रहता हूँ, डेली काफी लोग आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं। तो डेली IAS IPS न जाने कितने बड़े लोग आते हैं। आई एम श्योर सर, आई एम श्योर। मेरे पास लाइन लगा के खड़े रहते हैं यार। क्या आपका थोड़ा टिफिन शेयर कर सकता हूँ मैं? हाँ हाँ क्यों नहीं, ले लो। हाँ आप भाभी जी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। मैं देख रहा हूँ आप बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट पे बैठे हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं आपके पास, आपका सब बहुत सारा काम रहता है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। क्या आप अपने काम की इज्जत करते हैं? इससे क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं सर ऐसे ऐसी कोई खास बात नहीं है, मतलब मैंने महसूस किया कि आप अपनी सीट की इज्जत नहीं करते। आप लकी बहुत हैं जैसे आपको ये सीट मिली, लेकिन आपको सीट की इज्जत नहीं है सर। ऐसा कैसे कह रहे हैं आप? अगर आप इसकी इज्जत करते ना तो आपका इतना गंदा बिहेवियर कभी नहीं होता। देखिए ना आप अकेले बैठ के लंच कर रहे हैं, कोई दोस्त तक नहीं है आपका, है ना?
ऑफिस आवर्स में आप सोते हैं, लोगों को काम रिजेक्ट करने का बहाने ढूंढते रहते हैं। मान लीजिए एग्जैक्ट 2 बजे कोई आपके काउंटर पे आता है, तो आप उसका काम करने की बजाय आप उसको मना कर देते हैं, कहते हैं लंच टाइम हो गया। जरा सा भी आप ये नहीं सोचते हैं कि ये बंदा कितनी देर से लाइन में लगा हुआ है। आपने सीधा कह दिया कि लंच टाइम हो गया है, सरकार को बोलो दूसरा बंदा हायर करे। तो क्या करता? मान लीजिए सरकार ने दूसरे बंदे हायर भी कर लिए, तो आपकी इससे इम्पोर्टेंस कम नहीं हो जाएगी? हो सकता है आपसे ये काम ही ले लिया जाए। अपने फतेह पे कभी गुरूर आने लगे ना, तो मिट्टी से पूछ लेना चाहिए कि सिकंदर आजकल कहाँ है। अरे छोड़ो यार ये सब किताबी बातें। भगवान ने आपको बहुत सुनहरा मौका दिया है रिश्ते बनाने का। मेरा क्या है, मैं आज चले जाऊंगा, कल फिर आ जाऊंगा, आप नहीं तो कोई और बाबू मेरा पासपोर्ट बना देगा, लेकिन भगवान ने आपको चुना इस काम के लिए। दोस्त, ख्वाहिश बहुत बेवफा होती है, पूरी होती ही बदल जाती है। तुम सही कहते हो, मेरे घर में मुझे कोई पसंद नहीं करता और मेरी वाइफ भी मेरे से दूर दूर रहती है। बच्चे भी मुझे देख के ना पता नहीं दूसरे रूम में चले जाते हैं, और सच बताऊँ मेरा कोई दोस्त भी नहीं है भाई। दूसरे के काम आओ दोस्त, ये पासपोर्ट मैं अपने लिए नहीं बनाने आया, मैं भी आया हूँ अपने इस दोस्त के लिए, और चाहता तो मैं भी कहीं जाके अकेले बैठ के खाना खा सकता था। मुझे भूख लगी, आपको देखा यहाँ पर बैठे हुए, आपका खाना शेयर कर लिया, मांग के खाया। रिश्ते कमाओ दोस्त, रिश्ते शब्दों को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, लेकिन शब्द जो है सबको स्पर्श करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। इसी व्यवहार के कारण ना आज इनके पास बहुत सारे दोस्त हैं हमारे जैसे। आपने मेरी आंखें खोल दी। आप अभी काउंटर पे पहुंचिए और मैं आपका 1 वीक में पासपोर्ट बना के देता हूँ। सर, क्या आप अपना फोन नंबर और एड्रेस शेयर कर सकते हैं? कुछ नहीं, वो अगले वीक ना मेरे बेटे का बर्थडे है, बस इसीलिए आपको इनवाइट करना था, अगर आप आ सकें। अगर आप आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, इस बहाने मुझे भी एक दोस्त मिल जाएगा।